नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के जुनियार पंचायत के टोला चकजोरा खुद प्राथमिक विद्यालय में लगभग 2007 से एक ही चीज का काज कर रही है, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब 2007 से मतलब आप एक ही अकेले टीचर हैं, इस वजह से आपके किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो इतना है कि अब एगो टीचर हैं और कभी मीटिंग में चला जाते हैं, कभी कोई काम में बुलाया जाता है तब चल जाते हैं। अभी की बीएलओ में 3 रोज ड्यूटी लगा दिया था लोकसभा चुनाव में, तो 3 रोज तो ऐसे भी विद्यालय बंद हो गया। एगो टीचर रहने के कारण लड़कन का भी माने स्कूल बंद रहता है तो लड़कन में प्रभाव पड़ता है। इंद्रदेव गिरी इसी गांव के हैं, इनकी बच्ची इस विद्यालय में क्लास 3 में पढ़ रही है। इंद्रदेव गिरी की बच्ची अलग ट्यूशन पढ़ने जा रही है, जिसके कारण इस परिवार पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है। परेशानी तो पूरा है, हम लोग के परेशानी ना है, मांगनी के पैसा लगता है, जाते हैं ट्यूशन वाला के देते हैं, हैं? स्कूल में भेजते हैं तो क्या गरज है। कितना मंथली में कितना दे पाते हैं ट्यूशन में, कितना खर्चा होता है? महीना में 100 रुपया देते हैं। सही ढंग से पढ़ाई होगा स्कूल में तो कहे लगी जाएगा एक आदमी लड़कन पढ़े। इस विद्यालय में कितने कमरे हैं? 3 कमरे। 110 विद्यार्थी हैं, तो 3 कमरों में कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? एक शिक्षक है तो एक ही कमरे में बैठा के पढ़ाते हैं, कुछ करेंगे? इस विद्यालय में शौचालय के लिए लड़का या लड़कियों के लिए एक ही जगह व्यवस्था है अलग अलग? कुल शौचालय एक ही वो है, उसमें लड़का लड़की हेडमास्टर को सबका वो किसी में प्रयोग होता है। एक टीचर तब तो नहीं कैसे पढ़ा पाती है स्कूल में? 12 लोग के पढ़ाते हैं मैडम और छोटे लोग के हम सब पढ़ाते हैं, तो हम सब के पढ़ने में डिस्वायर हो जाता है, तो हम सब पढ़ नहीं पाते हैं। डेली के लिए जो घटा और खोरा वोरा सब हम सब देते हैं। कभी कभी मैडम को मौका मिलता है तो हम सब के पढ़ाते हैं, या तो ऐसे ही घर चल जाते हैं। एक बार टीचर मैंने यहाँ आए थे तो 2 महीना रहे, उसके बाद मुखिया जी बहाली करके दूसरा जगह कर दी। क्या कारण है कि इस विद्यालय में मतलब जो शिक्षक आते हैं मतलब नहीं टिक पाते हैं? यहाँ गांव के रवैया बहुत खराब है कि आने के लिए कोई शिक्षक तैयार नहीं। बीओ साहब प्रयास भी किए लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इस विद्यालय में टीचर जरूरी है, 3 गो टीचर कम से कम होना चाहिए इसमें, तब ही चलेगा स्कूल में। तो इससे बढ़िया कि बंद कर दें सरकार को अलग चलाते हैं। जब जाते हैं ऑफिस में जब बोलते हैं कि सर हमको ये टीचर दीजिए ना, तो खाली बोलते हैं कि प्रयास में तो लगल है। स्कूल के लिए मैं चाहता हूँ कि जे 3-4 टीचर यहाँ आके हम सबके पढ़ाएं तो हम सब पढ़ पाए और हम सबके पढ़ने में डिस्टर्ब नहीं हो। जब मैं छोटा था तो इसी तरह के विद्यालय में मैं भी पढ़ा करता था। आज हमें ये खल रहा है कि जो हमें सही शिक्षा मिलना चाहिए वो हमें सही शिक्षा नहीं मिल पाया। मैं मोहम्मद मिस्टर आलम बिहार के नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड से जुनियार पंचायत से इंडियन हार्ट के लिए।